हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाल रही हूँ, बट द वेट इज वर्थ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल माय पीपल। सो ये वीडियो होने वाली है कि हम अपने एथनिक वेयर जो हम अपने फेस्टिव सीजन में यूज कर सकते हैं वो किस तरह स्टाइल कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग ओनली जस्ट वन स्कर्ट, जो कि मैंने वो स्कर्ट भी बहुत अफोर्डेबली अपनी मम्मा की साड़ी से बनवाई है। तो उस स्कर्ट को हम पेयर करेंगे 3 different स्टाइल्स में। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जब से मेरे दिमाग में आइडियाज आया ना कि मैं मम्मा की पुरानी साड़ीज जो सबके घर में सबकी मम्मा की होंगी उनको कैसे रीयूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी साड़ीज बिल्कुल भी नहीं अब पहनती हैं, और अगर कुछ पहनेंगी तो वो एक नई ट्रेंडी साड़ीज लेंगी। तो जो पुरानी सारी साड़ीज थी मैंने सबके आउटफिट्स बनवा ली हैं। धीरे धीरे मैं किसी और वीडियोज में भी वो सब शेयर करूंगी, बट इस वीडियो में मैंने स्पेशली सिर्फ एक साड़ी से 3 अलग अलग ड्रेसेस कैसे बनाए हैं एक स्कर्ट को यूज करके, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो सबसे फर्स्ट है यही वाला अटायर जो मैंने अपनी मम्मा की ये वाली साड़ी से क्रिएट किया है। प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो अटैच कर देती हूँ। मैंने भी ये साड़ी पहनी थी अपने कॉलेज में किसी फंक्शन में, टीचर्स डे के फंक्शन में मैंने कॉलेज में पहनी थी। यही वो साड़ी है, इसका पूरा बॉर्डर जो है वो मैंने निकलवा लिया था। उसके बाद मैंने इसका जो पल्ला था जिसपे ऐसे लहरिया सा वर्क हो रखा है उसका मैंने ब्लाउज बनवाया है जिसमें ऐसा सा लुक आ रहा है, और जो ये फ्रिल है ये एक लेस मिलती है ऐसे फ्रिल वाली, मैंने वो लगवा दी है। सेकेंडली ये जो स्कर्ट है जो मैंने इसके साथ पहनी है ये इसी साड़ी की बनी हुई है, और इसी स्कर्ट से मैंने और भी 3 लुक्स क्रिएट किए हैं। जो ये स्कर्ट है मैंने अम्ब्रेला लुक बनवाई है, डबल लेयर बनी। ये सिंगल लेयर है जो थोड़ा ऊंचा है, और एक लेयर है जो मेन है। ये शैंटून है जो अस्तर के तौर पर इसमें यूज किया गया है। सो फुल अम्ब्रेला लेंथ में ये मैंने बनवाई है, सेमी अम्ब्रेला कह सकते हैं। इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है और मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये यूज किया है। मैंने 2-3 फंक्शंस में भी अपना ये पहना है जिसकी पिक्चर्स ये रही। एंड इसमें ये जो लेस है ये मैंने खुद लगवाई है, मतलब मैंने खुद लगाई है, कि मैंने यहाँ फेविकॉल से पेस्ट करके अपनी ये मिरर्स लगा के इसको ऐसा क्रिएट किया है। तो ये लुक बहुत अच्छा निकल कर आया था, जिसके साथ मैंने बिल्कुल ही कंट्रास्ट में लाइट ग्रीन कलर जिसे कहते हैं बहुत लाइट सा, वो वाली फ्रिल वाली ये बनी बनाई 200 रुपीज की चुन्नी मिल गई थी, तो मैंने ये खरीद ली इसके साथ। तो ये था मेरा कम्प्लीट लुक नंबर 1 विद यूजिंग दिस क्यूट स्कर्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। तो हाँ जी, क्या कहना है आपका मेरे सेकेंड लुक के बारे में। सो बिल्कुल डिफरेंट सा लुक निकल कर आया है ना। इसमें मैंने क्या किया है, स्कर्ट मैंने वही पहनी है, इसके साथ मैंने शॉर्ट कुर्ती सिर्फ इतने से लेंथ की, जिसमें मैंने ये लेस ली है जस्ट कि ये लुक थोड़ा सा एनहेंस हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये लेस ली है और इसको यहाँ पर लगा दिया है। बहुत डिफिकल्ट थी ये लेस लगाना, मैंने खुद हाथ से लगाई है। इसके साथ मैंने ये नॉर्मल चुन्नी ले ली है जिसमें आगे ये लेस लगा दी है कि गले में भी पहनना ना पड़े कुछ और डिफरेंट सा लुक आ जाए। तो ये मैंने अपने कज़न के कीर्तन के फंक्शन में बनवाया था, उससे थोड़े टाइम पहले ही मैंने ये बनवाया था, 1-2 महीने पहले। तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था तो मैंने सिर्फ कपड़े में इन्वेस्ट किया, 1.5 मीटर कपड़ा खरीदा बस मैंने ये वाला बांधनी सा लुक वाला, और ये चुन्नी ये मम्मी पर ऑलरेडी थी, बस मैंने लेस खरीदी इतनी से टुकड़ा इसको यहाँ पर लगवा दिया, दैट्स इट। और बिल्कुल डिफरेंट लुक निकल कर आया, किसी को पता भी नहीं चला, कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये मैंने उसी ड्रेस को रीयूज किया है। और आप ऐसा कर सकते हैं, अब हम इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस खरीदते हैं उसको एक बार ही पहनते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम फोटोज डाल देते हैं तो हमें दूसरी बार नहीं पहनना होता है, बट हम रीयूज तो कर सकते हैं। तो यही कुछ रीयूज के आइडियाज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। इसका फेयर बहुत अच्छा है, ये भी लुक सबको बहुत अच्छा लगा था, मेरा इनफैक्ट मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। अब मुझे कल को कुछ और रीयूज करना होगा तो मैं पूरी ड्रेस ना खरीद के, अभी मैंने जैसे 1-2 साल पहले पहना था तो इसके साथ मैं नीचे शरारा या फिर सलवार कुछ भी ले सकती हूँ। अगर मैं इस कलर का रस्ट कलर का कुछ लूंगी तो भी डिफरेंट लुक बनकर आ जाएगी। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत दिमाग ऊपर नीचे लगाकर हम अपनी ड्रेसेस को 2-3 तरीके से पहन सकते हैं। सेम मैं भी नहीं पहनती हूँ, आप सब भी नहीं पहनना चाहोगे, बट हाँ रीयूज आप कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की नीड है, आपकी ड्रेस बिल्कुल नई बनकर आ जाएगी जस्ट लाइक दिस। तो ये था सेकेंड लुक यूजिंग दी सेम स्कर्ट जो मैंने अपनी मम्मी की साड़ी से बनवाई है। तो चलते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। सो गाइज, ये है थर्ड और लास्ट लुक। इसमें मैंने क्या पहना है, मैंने येलो कलर की कुर्ती बनवाई है, ये मैंने एक हल्दी के फंक्शन के लिए बनवाया था। ये कुर्ती बिल्कुल अलग थी जो मैंने इस पूरे पेयर से भी पहले बनवाई थी, जो मैंने गोल्डन कलर के पैंट्स के साथ पेयर करी थी इस फोटो में, ठीक है।
एंड एक राज की बात मैं बता देती हूँ, जो ये कुर्ती है ये भी मैंने साड़ी से बनवाई थी। सो ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप सब लोग अपनी मम्मा की साड़ीज लेकर भागोगे और कुछ ना कुछ बनवा लोगे, जो कि बनवानी भी चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेसेस मैंने बनवाई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी सारी ड्रेसेस दिखाऊंगी जो भी मैंने साड़ी से बनवाई है। सो पहले इस वीडियो को कम्प्लीट करते हैं। तो मैं हमेशा जब भी कोई ड्रेस बनवाती हूँ ना, ये दिमाग में जरूर रखती हूँ कि मैं पतली लगूँ उसमें। तो आप देखोगे जो मेरी फर्स्ट वाली ड्रेस थी और इस वाली ड्रेस में कितना फर्क आया होगा। मैं पतली इसमें लग रही होगी क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फुल स्लीव्स बनवाई है। मैं मोस्टली कपड़े फुल स्लीव्स ज़्यादा पहनना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे डोले पसंद नहीं है। सेकेंडली दूसरी टिप, मैं हमेशा बाल बंधे वाला कुछ स्टाइल बनवाती हूँ, जैसे टाई करके, जैसे पोनी या जूड़ा या हाई पोनी टेल या फिर चोटी, कुछ भी ऐसा सा करती हूँ जिसमें मेरे बाल बंधे रहेंगे या तो बिल्कुल प्रेसिंग हो रखी हो या बिल्कुल बंधे होंगे तो भी फेस छोटा लगता है। दूसरी टिप ये है। एंड अगर मैं प्लीट्स वाली अनारकली वाला बनवाती तो यहाँ से बहुत फैला फैला लगता, तो मैंने वो ना बनवा कर एक सिंपल प्लेन ए शेप में अनारकली बनवा के बस सेंटर से आपको कट करवा कर अंदर की तरफ दोनों सिलाइयाँ मोड़ देनी है, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो जो ये सेम मिरर मैंने यहाँ लगाए थे, बेसिकली मैंने इसके लिए ही लिए थे, जो बच गए थे तो मैंने यहाँ लगा दिए थे बाद में जब मैंने ये ड्रेस बनवाई थी। तो ये जब मैंने अलग से पेयर किया था, देन सेकेंडली मैंने कैसे पेयर किया, मैंने पेयर करके शादी में भी गई हूँ, आप देख सकते हो। मैं इसे पागल नहीं बना रही हूँ आप लोगों को। तो ये था थर्ड लुक, जैसे मैंने इसके साथ इसको पहना है। एंड अगर आप बड़े इयररिंग्स पहनो तो मुझे लगता है इसमें चुनने की नीड नहीं है, तो इसलिए मैंने बड़े इयररिंग्स के साथ पेयर करके आप लोगों को दिखाया है। तो ये थे मेरे कुछ आइडियाज जो कि मैंने एक स्कर्ट को यूज करके तीन अलग अलग ड्रेसेस कैसे बनवाई बहुत मिनिमल बजट में। तो ये वीडियो इसके बारे में थी। सेकंड वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगी कि मैंने अपनी मम्मा के साड़ी यूज करके कितनी ड्रेसेस बनाई है, जिसमें से ये भी एक है और ये भी एक है। सेकेंड वाली नहीं है, ये जरूर है और ये जरूर है, जो साड़ी से ही बनी है सिर्फ और सिर्फ, और बस एक लेस लगी है। तीनों लुक फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हल्दी, मेहंदी, इन सब फंक्शंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वेडिंग सीजन भी आने वाला है और फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है। तो मुझे लगा ये एक बेस्ट टाइम होगा इस वीडियो को डालने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को बहुत 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 सारा प्यार देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो एंड तक देखी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे अलग अलग आइडियाज लेकर आऊंगी मैं साड़ी वाले। एंड मैंने स्क्रैच से बहुत सारे आउटफिट्स बनाए हैं खुद से, कपड़े मिसमैच करवा के, तो वो सब मैं आपको आइडियाज नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत 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 अच्छी जाए। सो बाय बाय, टेक केयर, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बाय बाय।